वर्ल्ड कप से पहले हार्दिक पांड्या इज बैक। जो लोग हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर करने की मांग कर रहे थे, जो लोग हार्दिक पांड्या को बू कर रहे थे, अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वही लोग अब हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब से इंडिया का वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, मैक्सिमम सारे प्लेयर्स अचानक से आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं। आप शिवम दुबे को देखिए, पिछले दो मैचेस में दो गोल्डन डक आए हैं। फिर चाहे आप रोहित शर्मा को देख लीजिए, अर्शदीप सिंह को देख लीजिए, मोहम्मद सिराज को देख लीजिए, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में सिलेक्शन के बाद परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो कि वर्ल्ड कप से पहले तो फॉर्म में नहीं थे, जिसके बाद बहुत सवाल उठे कि यार हार्दिक को टीम में जगह कैसे मिली, हार्दिक को वाइस कैप्टन कैसे बनाया गया। लेकिन वर्ल्ड कप में सिलेक्शन क्या हुआ, अब पुराना हार्दिक लगता है कि लौट आया है। सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े के मैदान पर 4 ओवर्स का पूरा स्पेल डाला और इस स्पेल में 31 रन देकर 3 विकेट चटकाए। सोचिए, जिस टीम के सामने अक्सर बोलर्स अपना पूरा स्पेल डालने में खौफ में आ जाते हैं, अक्सर ये गेंदबाज 10 की, 12 की या 15 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हैं, उसी एसआरएच के सामने ना सिर्फ हार्दिक ने अपना पूरा स्पेल डाला, 3 विकेट्स भी चटकाए और सिर्फ 30 रन दिए। हार्दिक का जो इकोनॉमी था वो 8 से भी कम का था। और अब फाइनली हार्दिक पांड्या फॉर्म में वापस आ चुके हैं, क्योंकि ये मैच ही नहीं, इससे पहले अगर पिछले कुछ मैचेस देखेंगे तो हार्दिक पांड्या अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लखनऊ के अगेंस्ट हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट चटकाए थे, केकेआर के अगेंस्ट भी 2 विकेट चटकाए थे, और अब एसआरएच के अगेंस्ट हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट चटकाकर ये साबित कर दिया है कि यार इंडियन टीम में अगर सबसे प्रीमियम बॉलिंग ऑलराउंडर कोई है तो वो हार्दिक पांड्या है। चाहे शिवम दुबे आ जाए, चाहे नितिश रेड्डी आ जाए, या कोई भी बॉलिंग ऑलराउंडर आ जाए, अगर हार्दिक पांड्या से पहले आप उसको कंसिडर कर रहे हैं तो शायद छोटी सी आप गलती कर रहे हैं। खैर, आज भी हार्दिक पांड्या के लिए स्टार्ट अच्छी नहीं हुई थी। शुरुआती 2 ओवर्स में हार्दिक पांड्या को 22 रन पड़े थे और उनका जो इकोनॉमी रेट था वो लगभग 11 के आसपास था। लेकिन अगले 2 ओवर्स में हार्दिक पांड्या ने दमदार वापसी की, सिर्फ 9 रन दिए और 3-3 विकेट चटकाए। और इसमें खास बात ये थी कि हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट तो एक ही ओवर में चटका दिए थे। इस मैच का जब 16वां ओवर करने हार्दिक पांड्या आए तो पहली ही बॉल पर उन्हें विकेट मिला, उसके बाद 3 बॉल पर सिंगल्स आए, 1 वाइड आई और अगली बॉल पर उन्हें फिर से विकेट मिला, और आखिर में 1 रन के साथ उन्होंने अपने इस ओवर को खत्म किया जिसमें सिर्फ 5 रन आए और 2 विकेट्स आए। खैर, इस मैच में खास बात एक ये भी थी कि जब हार्दिक पांड्या को विकेट मिला तो उनके साथ जश्न मनाने पहुंच गए रोहित शर्मा। ये कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसका मुंबई इंडियंस के कुछ फैंस पूरे टूर्नामेंट से इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर रहे थे कि यार कब हार्दिक और रोहित के बीच चीज़ें ठीक होंगी, कब हार्दिक और रोहित की फिर से दोस्ती होगी, कब ये टीम एकजुट होकर खेलेगी। और इस मैच में एक छोटा सा इंडिकेशन मिल चुका है कि अब धीरे धीरे चीज़ें इस फ्रेंचाइज में नॉर्मल होने लगी हैं। अब हार्दिक पांड्या के पिछले कुछ मैचेस के स्पेल्स की बात करें तो पहले 4 ओवर में 26 रन देते हैं, 2 विकेट चटकाते हैं, उसके बाद 4 ओवर में 44 रन देते हैं, 2 विकेट चटकाते हैं, और अब एसआरएच के अगेंस्ट हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 31 रन दिए और 3 विकेट चटकाए। यानी कि अगर आप पिछले 3 मैचेस देखेंगे तो हार्दिक पांड्या ने 140 भी क्लिक किया है, 7 विकेट भी चटकाए हैं और इकोनॉमी रेट भी बहुत डिसेंट रहा है। ये बात जानते हुए कि जब आईपीएल शुरू हुआ था तो हार्दिक पांड्या पहला ओवर करने आ गए थे, पहले ही मैच में पहला ओवर करने आ गए थे, दूसरे मैच में दूसरा ओवर किया, लेकिन फैंस ने कुछ बहुत अच्छी तरीके से उनके सिलेक्शन को लिया नहीं। उनका ये जो फैसला था गेंदबाजी करने का वो अच्छा जा नहीं रहा था, क्योंकि लोग बू कर रहे थे, कोई चाह नहीं रहा था कि हार्दिक गेंदबाजी करें, उसके अलावा महंगे होते जा रहे थे, सिलेक्शन सही नहीं हो रहे थे, तो लग रहा था कि उसका परफॉर्मेंस का जो फ़र्क है, जो ये सब बाहरी चीज़ों का फ़र्क है, वो हार्दिक के परफॉर्मेंस पे भी पड़ रहा है। लेकिन जब से T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ, हार्दिक पांड्या एक अलग गेंदबाज लग रहे हैं। जो हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप सिलेक्शन से पहले 7 मैच में 4 विकेट चटकाते हैं, वही हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप सिलेक्शन के बाद 3 मैचेस में 7 विकेट चटका चुके हैं। अब हार्दिक की सभी को बैटिंग का इंतजार है कि यार हार्दिक अगर एक बार वो बैटिंग फॉर्म भी हासिल कर लें तो ये एक परफेक्ट ऑलराउंडर बन चुका है, जो कि हमें वर्ल्ड कप में चाहिए। अब इस मैच में कुछ खास बात ये थी कि सबसे पहले आप वानखेड़े के मैदान पर खेल रहे थे, एक ऐसा मैच जो कि बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, बहुत रन्स बनते हैं यहाँ पर, और सामने थी आईपीएल 2024 की सबसे डेंजरस टीम। इस टीम में अभिषेक शर्मा है, इस टीम में ट्रेविस हेड है, इस टीम में एनरिक क्लासन है, इस टीम में माकरम भी है, अब्दुल समद भी हैं। सारे गेंदबाज इस टीम को बॉलिंग करने से डरते हैं, लेकिन उसी टीम के सामने हार्दिक पांड्या ने पूरे 4 ओवर्स का कोटा पूरा किया, 3 विकेट चटकाए, 31 रन दिए और एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाए। और सबसे बड़ी बात, ये विकेट तब आया जब हार्दिक पांड्या डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने आए। इस मैच में हार्दिक पांड्या ने नितिश रेड्डी, मार्को यानसन और शाहबाज अहमद के विकेट्स लिए और बहुत अच्छी कप्तानी भी की। और जब रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के साथ जश्न मनाने पहुंचे तो मुंबई फैंस ने कहा कि यार मुंबई इंडियंस में फिर से पुरानी वाली बात लौट आई है। अब यहाँ से फैंस कह रहे हैं कि यार चलो अच्छा हुआ हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप में सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये वही हार्दिक पांड्या हैं जो हमेशा बड़ी टीम्स के सामने हाई प्रेशर गेम्स में, क्रंच सिचुएशन में टीम इंडिया के लिए हमेशा परफॉर्म करते हैं।
जरूर इस साल एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई जिसके बाद हार्दिक पांड्या एक अलग हार्दिक पांड्या लग रहे थे। बैटिंग ठीक से हो नहीं पा रही थी, बॉलिंग नहीं हो पा रही थी, कैप्टनसी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हार्दिक पांड्या फॉर्म में आ गए हैं। ये वो हार्दिक पांड्या हैं जो कि जिन्हें वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया है। ये वो हार्दिक पांड्या हैं जो कि उम्मीद जगा रहे हैं कि अब टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2024 के लिए तैयार नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि हार्दिक का ये फॉर्म वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू रहेगा? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।